फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो कैथी, विक्रम और लियो जैसी फिल्मों के डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने थलापति विजय की फिल्म लियो 2 को लेकर अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि अभी के लिए थलापति विजय सर का गोल डिफरेंट है, पर अगर आने वाले समय में थलापति विजय सर मुझे कॉल करके ये बोलते हैं कि वो लियो 2 के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली इसके दूसरे पार्ट को बनाऊंगा और ये 100% है कि आने वाले समय में हमें लियो 2 देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है अभी थलापति विजय वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बन रही फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की शूटिंग कर रहे हैं, जो कि हमें मिड 2024 में देखने को मिलेगी और फिर इसके बाद थलापति विजय अपनी अनटाइटल फिल्म थलापति 69 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें संक्रांति 2025 तक देखने को मिलेगी और इसके बाद थलापति विजय बीच में 3 से 4 साल का गैप लेने वाले हैं और वो 2026 के चुनाव की तैयारी करेंगे। ओवरऑल कहें अगर लियो 2 बनती भी है तो ये फिल्म हमें 2028 या 29 तक देखने को मिलेगी और लियो 2 से पहले हमें लोकेश नगराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स में विक्रम 2, कैथी 2 और रोलेक्स का स्पिन ऑफ भी देखने को मिलेगा। तो आप एलसीयू की आने वाली इन चारों फिल्मों में से कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट में बताएं। हमें जिस सच की तलाश है वो हमें सिर्फ लियो बता सकता है। शिवा कार्तिकेयन की आने वाली अनटाइटल फिल्म SK-23 की मुहूर्त पूजा हो चुकी है और SK-23 के मेकर्स ने 17 फरवरी से इस फिल्म की शूटिंग को भी स्टार्ट कर दिया है। आपको बता दें SK-23 एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर AR मुर्गादास डायरेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में शिवा कार्तिकेयन के अपोजिट रुक्मणी वशिष्ठ फीमेल लीड में देखने को मिलेंगी और वहीं इस फिल्म में हमें अनिरुद्ध रविचंद्रन का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। तो शिवा कार्तिकेयन की अनटाइटल फिल्म SK-23 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म आस्की 3 को लेकर कहा जा रहा है कि इस फिल्म के टाइटल को बदल कर 2 आस्की है रखा गया है और वहीं कहा जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी 1981 में आई फिल्म बसेरा के ऊपर बेस होने वाली है। आपको बता दें बसेरा एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें शशि कपूर लीड रोल में थे और वहीं राखी और रेखा फीमेल लीड में थी। तो कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन की इस फिल्म की कहानी 1981 में आई फिल्म बसेरा के ऊपर बेस होने वाली है जिसे डायरेक्टर अनुराग बासु डायरेक्ट करेंगे और वहीं इस फिल्म में हमें कार्तिक आर्यन के अपोजिट तृप्ति ढिमरी लीड रोल में देखने को मिलेंगी और वहीं कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए मेकर्स एक और एक्ट्रेस से बात कर रहे हैं जिसका नाम आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है अभी कार्तिक आर्यन अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग कर रहे हैं, जो कि आने वाले कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद कार्तिक आर्यन इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। नानी की मच अवेटेड फिल्म सरिपोदा शनिवारम, जिसका हिंदी टाइटल सूर्य का शनिवार है, इस फिल्म से मेकर्स ने यह पोस्ट डालते हुए बताया है कि सूर्य का शनिवार इसका पहला ग्लिम्स हमें 24 फरवरी को देखने को मिलेगा। आपको बता दें सूर्य का शनिवार एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर विवेक अत्रेया डायरेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में हमें नानी के साथ प्रियंका मोहन और SJ सूर्या लीड रोल में देखने को मिलेंगे। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म के मेकर्स नानी की इस फिल्म को 15 अगस्त 2024 को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर नानी की ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को रिलीज होती है तो इस फिल्म का क्लैश हमें अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 और अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन से देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि क्या सच में सूर्या का शनिवार 15 अगस्त 2024 को ही रिलीज होती है या मेकर्स इसकी कोई और रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। वैसे आप इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड है हमें कमेंट में बताएं। शनिवार शनिवार। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो ममूटी की फिल्म ब्रह्मयुगम ने अपने रिलीज के तीसरे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3,35,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया है और इसी के साथ ब्रह्मयुगम ने 3 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8,90,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन और 10,55,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है और वहीं ब्रह्मयुगम ने 3 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 11,45,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ ब्रह्मयुगम ने 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि ममूटी की फिल्म ब्रह्मयुगम का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। वैसे क्या आपने इस फिल्म को देख लिया है और अगर देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।